गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि हम अंग्रेजी वर्णों के उच्चारण कैसे हिंदी में करते हैं, उनके क्या शब्द बनते हैं और उनका उपयोग हम कैसे करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है उनको मैंने ए से जेड तक अंग्रेजी वर्ण भी बता रखे हैं, यानी मैंने लेटर्स बता रखे हैं, उनकी आवाज़ कैसे और किस स्वर या व्यंजन से उनकी आवाज़ निकलती है, उनके शब्द कैसे बनते हैं, टोटल आपको बता रही हूँ। ये वीडियो मोस्ट डिमांडेबल वीडियो है और ध्यान दीजिएगा, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ आपका कि इस वीडियो के देखने के पश्चात आप जो है इनके उच्चारण में, इनके उपयोग में कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे। फर्स्ट लेटर जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आता है वो है ए। ये सब टाइपिंग लेटर्स लिखे हैं मैंने। आपको अगर कर्सिव लेटर्स भी सीखने हैं तो मैंने इससे पहले बहुत महत्वपूर्ण वीडियो दिए हैं, इम्प्रूव योर इंग्लिश हैंड राइटिंग प्लेलिस्ट में जाइएगा आप, और टाइपिंग कर्सिव दोनों लेटर्स मैंने कैसे, ये ए कैसे बनता है और बी कैसे बनता है, सारे लेटर्स को बनाना मैंने सिखाया हुआ है वहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं। ये अंग्रेजी का ए है, ये कैपिटल ए है, ठीक है, और कैपिटल ए है ये टाइपिंग लेटर्स का है, ये जो है स्मॉल ए है, ठीक है। इसकी आवाज़ जो आती है ए की आवाज़, इसको हम कैसे उच्चारण करेंगे, ए जैसे हम अ आ ई ई ए, ये आई उच्चारण नहीं करेंगे, ए उच्चारण करेंगे, और इसकी आवाज़ उपयोग होती है आ में, ए में और आई में। अब कैसे उच्चारण, ये आवाज़ का शब्द कैसे बनते हैं, जैसे सी ए आर, ठीक है, सी ए का हो गया, ठीक, र का र, इसमें आवाज़ किसकी आई, इस आ की आई, ठीक है, ये हो गया कार, ठीक। अब इस ए की आवाज़ जो है जैसे वे है, ठीक, डब्ल्यू ए वाई, वे है, हम इसको कैसे लिखते हैं, वे लिखते हैं, वो लिखते हैं, फिर जो है ए की मात्रा लगाते हैं, आई की मात्रा नहीं लगाते हैं, ये वे लिखते हैं इसको। और इस ए का उपयोग जो है वे में, जैसे वे है, से है, ऐसे इस ए का उपयोग करते हैं। अब बताती हूँ इसी ए का उपयोग, इसी ए से जो एक आवाज़ और निकलती है, ठीक है, उसको कहते हैं आई। अब जो है जैसे हम जो है आई का उपयोग भी करते हैं बहुत सारे शब्द में, ठीक है, और ये हो गई ए की बात। और इसका उपयोग जो है, जब हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक, इसका उपयोग जैसे दिस इज़ माई कार, मैंने कहा दिस इज़ माई कार, यहाँ पर आ का उपयोग आ गया, ठीक है। अब जैसे ये मैन है, ठीक है, ये मैन जो है ये वाला मैन नहीं है, ठीक है, अब ये मेन नहीं है, जो मैं एक अब आपको बीच में बताना भूल गई थी। अब ये आई का जब उपयोग होता है, ये डबल मात्रा है यहाँ पर है, ये मेन ऐसे लिखते हैं, ठीक, ये अगर हिंदी में किसी को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है तो वो मेन लिखेगा, ऐसे मेन नहीं लिखेगा, ठीक है, आई बात समझ में। यहाँ पर इस आई का उपयोग भी हो गया। आगे चलते हैं बी में, ये है दूसरा लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, और ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, और इसको बोलते हैं बी, ठीक, बॉ में बड़ी की मात्रा बी, और उपयोग आवाज़ आती है बॉ की, ठीक, इस बॉ की आवाज़ आएगी, जैसे यहाँ पर बॉ की आवाज़ आएगी, इसको हम बोलते हैं बुक, बी ओ के बुक, ठीक है, किसकी आवाज़ आई, आवाज़ साउंड किसकी आई, बॉ की आई, जैसे दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। आगे चलते हैं, अब सी में, ये थर्ड वन लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये कैपिटल सी है, ये स्मॉल सी है, इसको सौ में, दंती सौ में बड़ी की मात्रा
डाल करके बोलते हैं सी। अब इसके दो उच्चारण होते हैं, सी से क का भी उच्चारण होता है, स का भी उच्चारण होता है। जैसे हम कैट लिखते हैं तो सी ए टी कैट लिखते हैं, यहाँ पर उच्चारण किसका हुआ, इस क का उच्चारण हुआ। ठीक, इस क में जो है ये जब हम कैट लिखते हैं तो इस क का उपयोग हुआ। अब इसका अगर हम उपयोग करेंगे इंग्लिश, अगर हम इसमें पूरा सेंटेंस बनाएंगे तो दिस इज कैट इज एन एनिमल। ठीक है, कैट क्या है, बिल्ली क्या है, एक जानवर है। अब इसी का उच्चारण, इसी सी का उच्चारण मैं सौ की आवाज़ में आपको बताती हूँ। सौ की आवाज़ में कैसे करते हैं, जैसे सेंट, ये है सेंट, सी ई एन टी सेंट, सौ की आवाज़ में ये सेंट का उच्चारण हुआ। जैसे हाउ मैनी सेंट हैव यू, आपके पास कितने पैसे हैं, हाउ मैनी सेंट हैव यू। यानी सौ का उच्चारण क की दृष्टि से भी होता है, सौ की दृष्टि से भी होता है। ये है चौथा लेटर इंग्लिश अल्फाबेट का, ये डी बोलते हैं इसको। डॉ में बड़ी की मात्रा अगर लगाएंगे तो डी होता है, आवाज़ निकलेगी डॉ की। ठीक, आवाज़ निकलेगी डॉ की। जैसे इसमें शब्द बनेगा, कोई भी शब्द बना लीजिए आप, जैसे डिड, मैंने डिड लिखा, जैसे डॉग बना सकते हो, डिड बना सकते हो। अब मैं पूछती हूँ किसी से, व्हेन डिड यू कम, आप कब आएगी, कब आई, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए था। ठीक है, व्हेन डिड यू कम, आप कब आई। अब ले जाती हूँ आपको पांचवें, जो फिफ्थ वन लेटर होता है, पांचवें लेटर के सफ़र में अल्फ़ाबेट के, इसको बोलते हैं ई। यहाँ पर ये कैपिटल ई है, ये स्मॉल ई है, और इसको अ आ ई ई, इसकी जो वर्ण होता है इसका हिंदी की दृष्टि से बड़ी ई का उपयोग करते हैं, आवाज़ भी निकलती है बड़ी ई की ही आवाज़ भी निकलती है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं शी, ठीक, एस एच ई सी, हम किसी से कहते हैं सी इज अ गर्ल, ठीक, वह एक लड़की है, ये इसका उपयोग हो गया। जैसे सी इज अ गर्ल कहा मैंने, तो यहाँ पर शी लगाएंगे, शी इज अ गर्ली, शी इज अ गर्ल। आ गया यहाँ तक समझ में। अब छठे लेटर को आपको समझाती हूँ मैं, छठा लेटर होता है सिक्स वन लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एफ। ठीक, ये कैपिटल एफ है, ये स्मॉल एफ है, और यहाँ पर एक गलती बताती हूँ मैं, कई मैंने टीचर्स को भी स्टूडेंट्स को भी यफ इसका जैसे य करते हैं उसका उच्चारण, जो बहुत ही गलत है, आप ऐसा मत कीजिएगा। इसका उच्चारण होता है एफ, एफ ए और एफ में नुक्ता, ठीक, एफ, ये यफ नहीं होता है। ठीक है, और इसकी आवाज़ आती है फौ की। ठीक, जैसे फुट, जिसमें फौ की आवाज़ आएगी, जैसे हम शब्द बना सकते हैं फुट। ठीक है, अब मैंने इसका उपयोग बनाया, आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एनिमल इज फोर फुटेड, एनिमल इज फोर फुटेड बना सकते हो आप, जानवर एक फोर फुटेड है। ठीक है, अब मैंने बनाया ही इज सफरिंग फ्रॉम फुट पेन, उसको अपने पैर में दर्द हो रही है, उसे पैर में दर्द हो रही है। स्टूडेंट्स सेवन वन में ले जाती हूँ आपको, स्क्रॉल कर लेते हैं इसको। सेवंथ वन लेटर है हमारा, ठीक, अब सेवंथ वन लेटर है, ये जरा ज्यादा स्क्रॉल हो गया। सेवंथ वन लेटर है हमारा जी, ठीक, जी है, तो इसका उच्चारण हम करते हैं, ये कैपिटल जी है, ये स्मॉल जी है, जौ में बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं। ठीक है, तो ये जौ इसका उच्चारण होता है। ठीक, और हिंदी की दृष्टि से देखें तो जो वर्ण गौ है, गौ के तरीके से इसको उच्चारण करेंगे। ठीक, जैसे हमने क्या बनाया, वर्ड क्या बनाया, गुड, जी ओ डी, गुड, किसका उच्चारण आया, ग का, बोलते क्या है, जौ में बड़ी की मात्रा जी। ठीक है, ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, ये बोला क।
कि ही इज अ गुड बॉय, कुछ भी बना सकते हो गुड से, जैसे बहुत सारे इसमें वर्ड्स बनते हैं, ठीक है। अब जो एट्थ वन लेटर है, यानी आठवां जो अक्षर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, इंग्लिश वर्णमाला का, वो एच आता है। ये कैपिटल एच है, ये स्मॉल एच है, और इसका बोलते हैं एच, ए और च को मिला करके एच, और कई यहाँ पर यच बोलते हैं, इसको यच बोलते हैं, आप ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। कई मैंने विद्यार्थियों को भी और टीचर्स को भी यच बोलते, यच, यफ, यम ऐसे बोलते हैं, ऐसा उच्चारण नहीं होता है, इसका प्रॉपर जो प्रोनंसिएशन है वो एच है। और हिंदी में इसका जो हम उच्चारण करते हैं अक्षरों के हिसाब से, वो ह के हिसाब से आता है, जैसे हम हैन बोलते हैं, एच ई एन, हैन, ठीक। अब है माय हैंस नेम इज चिन, मैंने इसका जो वर्ड बनाया, जो सेंटेंस बनाया, वो मैंने बनाया माय हैंस नेम इज चिन, यानी मेरी मुर्गी का नाम चिन है, ठीक। अब आई, इसको जो नाइन्थ वन लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, वो है आई, ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, इसको आई बोलते हैं। उच्चारण की दृष्टि से इसका उच्चारण शुरू होता है ई से, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं इंडिया, आई एन डी आई ए, इंडिया। माई कंट्री नेम इज इंडिया, यानी मेरे देश का नाम भारत है, यानी इंडिया है।